हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे हैं तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे टीचर से मिलाने वाले हैं जो खुद संस्थान चला रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, और साथ ही साथ जो है डीएलएड का बैच भी इस बार दिए हैं। सिंहेश्वर स्थान, बाबा सिंहेश्वर स्थान, अगर आप नाम सुने हैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से तो आपको पता होगा। तो चलिए मैं आज आपको सर से मिलवाता हूं, और सर अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। इससे पहले भी सर का वीडियो डल चुका है, लेकिन बहुत दिनों से कुछ अब्सेंट हैं, आप तो देख ही रहे हैं कि केवल मैं ही अकेला चला रहा हूं। लेकिन मैथ का जो सब्जेक्ट है वो आपका अब मुकेश सर ही संभालेंगे। आइए मुकेश सर से हम आपको मिलवाते हैं। चलिए मुकेश सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश सर बाय एम के रावत आपका कोसी स्टडी पर सत सत नमन करता हूँ, और नवीन सर के द्वारा जो हमें सराहना और प्यार दिया गया उसके चलते हमें दोबारा आपके समक्ष आना पड़ा। मैं डीएलएड के बारे में आपको मैथ सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका से पढ़ाना। आपने अगर हमारे वीडियो 11th और 12th का जो एक वीडियो डाला होगा आपका 6-7 वीडियो, उनको अगर आप देखे होंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। का जो है 11th और 12th का वीडियो लगभग 7 वीडियो डल चुके हैं, जो इससे पहले लगभग 3-4 महीने पहले ही डाले हैं, और अभी जो है सर का सीटेट भी फाइनल हुआ है, साथ ही साथ मेरा भी फाइनल हुआ है, आप सभी को पता ही है। तो हम दोनों जो है क्लास साथी कह सकते हैं। तो इस तरह से मैथ का जितना भी चैप्टर आता है, आप कह सकते हैं 10th स्टैंडर्ड, वो सारा का सारा जो है मुकेश सर ही अब संभालने वाले हैं। कंपटीशन लेवल का जितना भी अगर रीजनिंग का बात करें या फिर मैथ का बात करें तो उसे मैं लेकर के चलूँगा, और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट को भी आपके साथ रख ही रहे हैं। तो चलिए आज मुकेश सर से आप जो है क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा, लाइक ठोक करके बताइएगा कि कैसे जो है आप लोगों का क्लास रहा। तो दोस्तों, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है, केवल और केवल यही थंब चाहिए, साथ ही साथ कमेंट चाहिए। कमेंट फास्ट कीजिए, साथ ही साथ लाइक को भी बढ़ाते चलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और धन्यवाद धन्यवाद सर। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक बेहतरीन सेशन को लेकर आया हूं, और बेहतरीन तरीका से आपको समझाने भी वाला हूं, क्योंकि डीएलएड में आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है ऑन बेस 10th स्टैंडर्ड है। तो अगर आप 10th के प्रत्येक बेस को बहुत ज़्यादा कंप्लीट रूप से स्टेप वाइज और कन्फ्यूजन क्लियर करके पढ़े होंगे तो सक्सेस आपके चरम चूमेगी। इसीलिए मैं आपके सामने मैथ्स का चैप्टर्स आपको लेके आया हूँ। आपको वास्तविक संख्या के बारे में नवीन सर बता चुके हैं पहले, और मैं अगला चैप्टर जो कि आपका बहुपद चैप्टर है उनको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं उस सेशन को स्टार्ट करता हूँ, बहुपद क्या होता है और उसके बारे में विस्तार, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स करवाऊँगा, फिर उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। तो हम लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, बहुपद। दोस्तों मैं फुल्ली का फुल्ली ट्रिकी वाइज पूरा का पूरा चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, और इस चीज को आप देखिएगा। तो बहुपद क्या होता है, जो कि देखिए मैं लिखाऊंगा नहीं बल्कि कंसेप्ट पर बताऊंगा। तो बहुपद कहता क्या है, इसका डिफिनेशन अगर देखा जाए तो कहता है एक चढ़ वाला वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो होना चाहिए वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ना तो घात उसका निगेटिव होना चाहिए, ना ही उसका घात आपको बटा में होना चाहिए, ना ही उसका घात रूट में होना चाहिए, ना ही उसका घात आपको
किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में होना चाहिए, ओनली फॉर वह धनात्मक और पूर्णांक माने पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो और कंडीशन यह है कि वह एक चर वाला होना चाहिए। एक चर मतलब क्या, अगर एक्स है तो एक्स में ही रहेगा, वाई है तो वाई में ही रहेगा, जेड है तो जेड में ही रहेगा। तो दोस्तों समझाते हैं मैं एक एग्जाम्पल लेकर के। तो जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो आप यह देख सकते हैं क्या यह बहुपद है, तो कहिएगा सर है कैसे। तो देखिए तो इसका जो घात है, इसका घात है पॉजिटिव है धनात्मक पूर्णांक, इसका भी घात नहीं है तो क्या है धनात्मक पूर्णांक है वन, और तीन के पास नहीं है तो कुछ पावर एक्स पर पावर कितना जीरो, तो बताइए क्या ये धनात्मक पूर्णांक है ना। तो हमारा धनात्मक पूर्णांक, ये चीज आपको क्लियर हो गया। और एक चर होना चाहिए, तो देखिए तो ये एक्स है तो ये भी क्या है एक्स ही है, ये भी क्या है एक्स है, अतः ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया। मतलब अगर हमने आपको लिख दिया एक्स पर पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर को अगर हम दे दिए रूट अंडर एक्स, तो ये आपका बहुपद नहीं है दोस्तों। कैसे, तो देखिए एक चर में है एक्स एक्स एक्स, लेकिन आप अगर इसको अगर देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं एक्स, और इसको अगर हम देखें तो रूट का जो वैल्यू होता है वह 1/2 के रूप में होता है। तो ये तो हमारा धनात्मक पूर्णांक तो हुआ, लेकिन धनात्मक तो हुआ लेकिन पूर्णांक दोस्तों नहीं हुआ, तो अतः हम इस चीज को बहुपद नहीं कह सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया x पर पावर 2 प्लस 3 बटा 4 x पर पावर माइनस 3 प्लस 9 क्या बहुपद है, तो कहिएगा दोस्तों नहीं। क्यों, तो देखिए x तो है एक चर में लेकिन इसका पावर देखिए ना निगेटिव आ गया, हमने क्या बताया आपको धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः यह बहुपद नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि बहुपद में एक चीज हम लोग को याद रखना है कि इनका जो घात होना चाहिए वह ना तो रूट में होना चाहिए ना ही आपको निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और ना ही आपको क्या होना चाहिए बटा में होना चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए ना ही निगेटिव होना चाहिए और ना ही बटा में होना चाहिए, तो वही हमारा क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा, जिस तो जो इस रूप में नहीं होगा। तो एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 एक्स प्लस 5 क्या ये बहुपद है, तो दोस्तों यह बहुपद है, ठीक, क्यों, क्योंकि एक चर में है और पॉजिटिव घात है। अगर हम ले लिए मान लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 तो ये बहुपद आपका नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें दो चर आ चुका है y भी है और x भी है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर हम बोल दिए y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y तो ये बहुपद है, तो है, क्यों, क्योंकि y है यहाँ भी y है और धनात्मक पूर्णांक भी है, तो अतः ये हमारा बहुपद होगा। तो एक चीज दोस्तों आप लोग याद रखिएगा बहुपद के एक रूप में कि अब हम लोग टॉपिक एक नया पढ़ेंगे बहुपद का घात, बहुपद का घात किसको कहते हैं, तो कहता है कि मैक्सिमम पावर, ये जो घात होता है बहुपद का घात किसको कहते हैं, तो कहता है कि मैक्सिमम पावर जो होता है वही क्या कहलाता है आपका बहुपद का घात कहलाता है। किसी भी बहुपद में मैक्सिमम पावर जो होगा वही आपका बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे दोस्तों हमने ये बहुपद है, मैं इसी में आपको देखना चाहता हूं, बताइए इसका घात कितना होगा, क्योंकि देखिए इसमें दो पावर है, इसमें एक पावर है, इसमें जीरो पावर है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ दोस्तों दो, इसीलिए इस बहुपद का घात कितना होगा दो होगा। ये तो बहुपद है ही नहीं चर्चा नहीं करेंगे, ये भी बहुपद है ही नहीं चर्चा नहीं करेंगे, ये बहुपद है तो चलिए इसका घात निकाल के बताइए, तो दोस्तों कितना होगा बाबू बोलिए, तो यहां पर x का स्क्वायर मतलब दो पावर, यहां पर नहीं कुछ है तो वन पावर, तो बताइए मैक्सिमम कौन हुआ दो ना, तो इसीलिए इसका घात कितना हो गया दो हो गया। इसमें देखिए ये बहुपद नहीं है चर्चा नहीं करेंगे, इसमें आते हैं तो बताइए इसका घात कितना है, तीन है दो है एक है, तो बताइए सबसे ज्यादा तीन, तो अतः आपका बहुपद का घात कितना हो गया तीन। तो शायद आपको बहुपद और बहुपद का घात क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं एक
आगे बढ़ते हैं बहुपद का शून्यक। तो शून्यक की आपको संख्या पूछा जाएगा एग्जाम में, ना कि आपको यहां पर शून्यक से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन शून्यक की संख्या। तो कहता क्या है यहां पर कि शून्यक की जो संख्या होती है, शून्यक की संख्या क्या होता है, तो कहता है यहां पर शून्यक की संख्या किसको कहते हैं, तो कहता है बहुपद का जो घात होगा, बहुपद के घात की संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग, शून्यक की संख्या कहते हैं। बहुपद का जो घात की संख्या होगा उसे ही उसका क्या होगा, शून्यक की संख्या होगी। दोस्तों घबराना नहीं है, फुल्ली कंसेप्ट और इजी तरीका से बताने वाला हूं मैं, आप इसी सवाल में आप बता सकते हैं। बताइए दोस्तों इसकी शून्यक की संख्या कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों इसी सवाल से मैंने आपको सिखा दिया घात क्या है, इसी सवाल से मैंने आपको सिखाऊंगा कि शून्य की संख्या क्या होगा। तो बताइए इसके शून्य की संख्या कितना, चूंकि दो घात है ना, अतः इसका शून्य कितना होगा, शून्य किसका कै को होगा, तो यही शून्य की क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, मतलब इसका शून्य दो होगा। इसमें बताइए शून्य कितना होगा दोस्तों, दो है घात, तो इसका मतलब है कि यही इसका क्या हो जाएगा, शून्यक की संख्या भी हो जाएगा। इसका बताइए कितना शून्यक निकलेगा, दो गो ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्यक हो जाएगा। दोस्तों देखिए मुझे पता है कि जितने भी डीएलएड भरने वाले छात्र छात्राएं हैं वह हाँ इसके शून्यक की संख्या दोस्तों आपको तीन हो जाएगी, इसकी शून्य की संख्या इसमें, क्योंकि महत्तम पावर तीन है इसीलिए शून्य की संख्या तीन हो जाएगी। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग जितने भी डीएलएड वाले छात्र छात्राएं होंगे वह सभी टेंथ पास जरूर किए होंगे और ट्वेल्थ का भी एग्जाम आप जरूर दिए होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट ही खींचूंगा क्योंकि एग्जाम नज़दीक में है और कम समय में आपको बेहतर तैयारी करवाना है। तो आप लोग ये टेंथ में पढ़े भी होंगे इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा एक बृहद पैमाने पर एक कम्पिटिटिव माहौल तैयार करके आपके नवीन सर को समक्ष आप आने वाले समय में भी कंपटीशन का तैयारी कर पावे। तो दोस्तों मैंने तीन चीज सीखा, बहुपद के बारे में, बहुपद के घात के बारे में, बहुपद के शून्य के बारे में। अब मैं जानूंगा दोस्तों क्या, तो बहुपद का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बहुपद का प्रकार जानने के लिए। तो आइए दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको सामने फिर आपको अब बताने वाला हूं बहुपद का प्रकार कितने प्रकार से। देखिए दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि कोई भी कंसेप्ट आपको कभी भी फालतू नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपने जो पढ़िएगा यही कंसेप्ट आगे कंपटीशन में भी काम देगा। तो दोस्तों ये आप मत समझिएगा कि मैं एक पढ़ रहा हूँ एम के रावत सर से और सिर्फ हम डीएलएड के लिए पढ़ रहे, नहीं ये डीएलएड नहीं बल्कि आगे आने वाले किसी भी कंपटीशन में आपको ये काम आने वाला। और ये वीडियो सिर्फ डीएलएड के लिए नहीं बल्कि किसी भी कंपटीशन के लिए भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप हम लोग चलते हैं बहुपद के प्रकार। तो देखिए मैंने क्या किया, तो बहुपद को समझने के लिए और समझाने के लिए दो भागों में इसको बांट दिया। सबसे पहला तो घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दोस्तों दूसरा पद के आधार पर, पद के आधार पर। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों क्या होता है घात के आधार पर और क्या होता है पद के आधार पर, एक एक करके सबका डिस्कस करूंगा और एग्जाम्पल के साथ करूंगा। आज आपको यह ऐसा वीडियो मिलेगा कि शायद आपने कभी लाइफ में भी ऐसा वीडियो देखे होंगे विथ टेक्निकल बहुपद पढ़ते हुए। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर आप पढ़ करके इस चीज को समझ लिए तो आप आने वाले फ्यूचर में भी किसी को भी डील करके टेक्निकल बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं घात के आधार पर कहा जाता है, कहता है कि जिस बहुपद का घात एक होता है, मतलब एक घात जिसका होगा उसको हम लोग कहते हैं एक घातीय बहुपद। क्या कहेंगे उसको, एक घातीय। तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल लिखता हूं मैं, जिसका एक घात होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। समझ में आ जाना चाहिए, लिख देता हूं मैं, बहुपद जिसका एक घात होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। ठीक, और जिस बहुपद का
दो, अच्छा व्यापक रूप। दोस्तों एक मिनट और, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बहुपद का रूप, व्यापक रूप भी आपको आ सकता है, तो वो आपको द्विघात समीकरण में, लेकिन इसमें बहुपद में नहीं है। तो अब यहां पर देखिए कि जिसका दो घात होगा, जिसका दो घात होगा उसको हम कहेंगे क्या, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। जैसे एक घातीय का अगर एक उदाहरण देखना चाहें बहुपद का, तो हम दिखा सकते हैं आपको दोस्तों क्या चीज। तो जैसे हम दे दिए x प्लस टू, बताइए नहीं कुछ तो पावर कितना है, वन है, अतः यह क्या हो गया आपको, एक घातीय बहुपद। अगर द्विघातीय देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें दो घात है, इसीलिए क्या हो गया, द्विघातीय हो गया। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे त्रिघातीय बहुपद, तो जिसमें तीन घात होगा उसको हम लोग कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, कुछ भी दे दीजिए, तो ये आपका तीन घात हो गया त्रिघाती है। अगर मान लीजिए जिस बहुपद में चार घात हो गया तो उसको कहेंगे चतुर्थ घात, या चतुर्थ घात, चतुर्थ घातीय बहुपद। जैसे इसका उदाहरण देख सकते हैं, x पर पावर फोर प्लस एक्स क्यू प्लस मान लीजिए कुछ भी नाइन एक्स, तो ये आपका चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया दोस्तों। तो आगे भी ऐसे ही बढ़ते जाता है, पांच घात है तो पंच घाती है, छः आता है तो छः, लेकिन आपको पढ़ना है तीन घात तक ही, मैंने बता दिया एक्स्ट्रा में चार घात। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन आपको और पूछेगा, कहेगा एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप में सबका लिख रहा हूं और देखते जाइएगा। इसका जो व्यापक रूप होगा ए एक्स प्लस बी, इसका जो व्यापक रूप होगा दोस्तों क्या, ए एक्स प्लस बी, जहां ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये एक्स हमारा खत्म हो जाएगा, और एक्स जैसे ही खत्म हो जाएगा मेरा एक घातक खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, तो कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा इसका जो व्यापक रूप, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको क्वेश्चन, तो व्यापक रूप होगा। लेकिन कंडीशन है दोस्तों यहां क्या, तो ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला है त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है दोस्तों क्या, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस प्रकार से हम लोग यह देख सकते हैं दोस्तों त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप हमारा यह हो जाएगा, और इसमें भी वही कंडीशन क्या चीज, तो ए कभी भी जो होना चाहिए वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। अब हम लोग चलते हैं पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, ठीक है। तो पद के आधार पर कहा जाता है, कहता है कि जिसमें एक पद होगा, जिसमें एक पद होगा उसको कहते हैं एक पदी, एक पदी बहुपद। जिसमें दो को, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, एग्जांपल एक देख लें इसको, तो एग्जांपल जैसे हम दे दिए 2x, बताइए कई को पद है इसमें, कई को जगह है, एक ही जगह है 2x, इसीलिए एक पदी हो गया। कहता है कि जिसमें दो को पद होगा तो उसको कहेंगे द्वि पदी बहुपद, जिसमें दो पद होगा उसको द्विपदी। जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3, तो यहां देखिए घात से कोई मतलब नहीं, हमको पद से मतलब है। देखिए एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, दो पद हुआ, तो इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। अगला है तीसरा में, जिसमें तीन पद होगा उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। जैसे आप कह सकते हैं कैसे, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो देखिए इसमें तीन पद हो गया, एक दो और तीन, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अगर मान लीजिए चार को पद बोला तो क्या बोलिएगा, चार पदी, पांच को तो पंच पदी, इसी प्रकार से अनलिमिटेड होती रहता है। तो आगे हम लोग अब देखेंगे इस बहुपद के बारे में और इसके रिलेशन के बारे में।
तो दोस्तों अब मैं चलता हूं आपके बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध के बारे में। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेगा आपको ऑब्जेक्टिव्स में। तो यहां पर देखिए, अगर आपका द्विघात बहुपद के शून्यक अगर हमारा दिया हुआ है क्या चीज, अल्फा तथा बीटा के बीच संबंध। तो अभी मान लीजिए हमारा जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए क्या होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी क्या होता है दोस्तों तो एक्स का गुणांक होता है, और सी क्या होता है अचर पद होता है। यहां पर तो यहां पर हमारा शून्यक जो हो जाएगा, अगर दो शून्यक है तो ये शून्यकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों क्या चीज, तो माइनस बी बटा ए। क्या होगा सूत्र, माइनस बी, ये बी आएगा और ये ए आएगा, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा हमारा सी बटा ए। तो यहां पर और तीसरा हो जाएगा हमारा बहुपद, जो कि अगर शून्यक हमारा दिया हुआ हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो बहुपद अगर प्राप्त करना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों त्रिघात बहुपद के रूप में। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अभी जस्ट मैंने बताया था कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा व्यापक रूप है, जहां ए क्या होता है दोस्तों बोलिए एक्स क्यूब का गुणांक, बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या होता है एक्स का गुणांक, और डी हमारा अचर पद हो गया। तो यहां पर पहला रिलेशन इसका होगा अगर शून्यक तीन है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि तीन अगर शून्यक है तो तीन बहुपद वाला है तो तीन शून्यक होगा। तो सबसे पहला रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब शून्यकों का योगफल का सूत्र हो जाएगा दोस्तों क्या चीज, तो माइनस बी बटा ए। और दूसरा है हम लोग का शून्यकों के गुणनफल का योगफल, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सूत्र हो जाएगा सी बटा ए। और तीसरा हो जाएगा हम लोग का शून्यकों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों यहां पर, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा क्या चीज आपको, डी बटा ए। तो ये हम लोगों का पूरा एक सूत्र हो गया, एक रिलेशन। और अब जा करके हमें बहुपद का रूप आ गया आपको, कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, या ये आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर दिया हुआ हो तो बहुपद क्या होगा, तो कहता है बहुपद एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों लास्ट वाला जो पोजिशन है अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो बताइए, अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक का बटन दबाइएगा, और जो हमारे बच्चे अभी नहीं देख पाए इस वीडियो को, आपके सहायता से वह बच्चे देख पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितना प्यार मैं आपको दे रहा हूं उतना ही प्यार आप दूसरे को भी बांटें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल ऊँचा बैठे और आपका भी पढ़ाने में और पढ़ने में भी मन लगे। तो आपको अगर कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइए, और जो भी कन्फ्यूजन हो जो भी दिक्कत हो बेधड़क बेहिचक एक दोस्त समझ करके आप हमें शेयर करें और बतावें कि किस प्रकार से आपको अच्छा लगा, और आगे वीडियो पाने के लिए जरूर कमेंट करें। और ऑब्जेक्टिव याद रखिए दोस्तों, छोड़ूंगा नहीं ऐसे, छोड़ेंगे नहीं, साथ 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 जाएंगे। तो इसका अब ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा लगभग में मैक्सिमम जितना ऑब्जेक्टिव है, और इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बल्कि आप खुद करिएगा, और ये मैं चैलेंज और दावा करता हूं आप प्रत्येक क्वेश्चन 10 सेकेंड से 30 सेकेंड के अंदर में सॉल्व कर पाइएगा, ये मेरा एक विश्वास और वादा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, और बहुत जल्द ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग लाइक और कॉमेंट को छोड़िए नहीं, पूरा पूरा बौछार कर दीजिए, और यही आशा रखता हूं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूं फिर नया चैप्टर के साथ नया सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।